अब महल के और खजाने की चाबी और बच्चा अपनी दासी को सौंपते ही रानी के रोम रोम में जहर का प्रभाव हो जाता है। और जब वो रानी जहर का प्रभाव होने से जब अचेत हुई और बेहोश हुई तो वो महमाया, उसे पता था कि कितनी देर में वो काम तमाम हो जाएगा। अब रानी तड़पने और बहकने लगी ना तो दासी को बच्चे को लेकर के कहीं इधर उधर चली जाती है, कहीं बच्चे को माँ की हालत न दिखाऊंगा, क्यों भाई जहरालो तावड़ो ठंडो थोड़ी हड़देसी काम थोड़ी बने, उस बहुत ज्यादा तड़पता है। अब दासी ने विचार किया कि रानी तड़पेगी और इस हालत में बच्चे को माँ दिखाना अच्छा नहीं, दासी बच्चे को लेकर के इधर उधर चली जाती है। इधर वो मेहमान वापिस महल में आती है एक काठ का बक्सा लेकर के, क्या रानी का काम तमाम हो गया होगा। और वो चांदारनी एक काठ का बक्सा लेकर के आई और रानी के शरीर को जो जहर के प्रभाव से मूर्छित हो चुकी थी, मूर्छित अवस्था में उस पतिव्रता रानी को उस काठ के बक्से में बंद करके और महल के पास से एक बहने वाला दरिया था, महल की छत पर चढ़ करके बक्से को दरियाओं में धकेल देती है। अब बहता हुआ बक्सा जंगल बियाबान में पहुंच जाता है और इधर कोई महात्मा प्रातः काल में, जैसे हमारे महाराज जी हैं, ऐसे कोई महात्मा उस दरियाओं के किनारे संध्या वंदन के लिए अर्घ तर्पण आदि के लिए आए हुए थे और महात्मा जी की नजर पड़ी उस बक्सा बहता जा रहा है। महात्मा दयालु होते हैं, महात्मा जी ने विचार किया ये किसी न किसी का सामान है और ये बहता जा रहा है, तूने इसको देख लिया, तेरा कर्तव्य है इसे निकाल, कि बिना इसका कोई मालिक गैर गैर आता हो बेचारा। तो महात्मा दरियाओं में बढ़ जाते हैं और उस बक्से को यत्न से युक्ति के द्वारा और आहिस्ता किनारे पर ले आते हैं। और जब किनारे पर ले आए और जल धारा से बाहर निकाला बक्सा और जब खोल करके देखा तो सामान नहीं, उस बक्से में किसी की जान है। महात्मा आयुर्वेद के जानकार थे, गड़खड़ा तो इतना ही बढ़ जाए, कई उपकार करने के लिए घर छोड़ते हैं कि मैंने एक घर छोड़ा है तो ये सारा संसार मेरा घर है। क्या सारा संसार मेरा घर है। अब वो महात्मा आयुर्वेद के जानकार थे, महात्मा जी ने रानी का हाथ पकड़ करके नबज चिटोड़ करके देखी तो महात्मा जी को पता हो गया कि इसके साथ धोखा हुआ है, इसको किसी ने जहर दिया है, चाहे तो किसी सौकर ने दिया हो या किसी शत्रु ने दिया हो या किसी और अपने ने, कदे कदे अपना भी तो जड़ को कुहाड़ी मार दी है, किसी अपने ने पराया वाला काम कर दिया होगा, पर इसके साथ धोखा है। और ये है भी किसी बड़े घर की, जो वो जरी की पोशाक देखती ना तो महात्मा को पता पड़ जाता है कि ये किसी राज घराने की है। तो महात्मा
उसको जग के अंदर बैठे से दिन भर बैतारा बख्शा, पूरी रात भया जंग के अंदर बैठे से, और जहर का प्रभाव कम हो गया था। और कुछ महात्मा आयुर्वेद के जानकार थे, जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करी और रानी का इलाज शुरू कर दिया। इधर जो ही महल में अंधेरा हुआ, रात हुई, और वो बच्चा माँ 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 करता हुआ महल के अंदर माँ को टोड़ने लगा और रोने लगा, तो पूरी नगरी में आधी रात का समय सोता पड़ रहा है, महल में भी सब सो रहे, पर बच्चा माँ के बिना कैसे रुके। बच्चा मामा करके विलाप करता हुआ इधर उधर महल में जब भटकने लगा, फिरने लगा, तो दासी बसंतमाला विचार करती है कि ये क्या कर दिया विधाता तुमने। हाँ भाई, आई हो गई, 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 आई हो गई,
रंग भाग बिना मणि नाग बिना रंग भाग बिना और भाग बिना किता मारी भैया मणि नाग बिना रंग भाग बिना और भाग बिना किसा मारी भाग बिना किसा मारी Yeah.
Thank you.
आधी रात के समय महल में लड़का जब मां मां करके व्याकुल हुआ, बेचैन हुआ, विलाप कर रहा था, दासी वसंत मारा बेचैन हो जाती है, विचार करती है कि जब बच्चा चैन नहीं ले रहा तो मैं इस सुख चैन का क्या करूंगी। और आज रानी के साथ धोखा हो गया, कल बच्चे से धोखा हो जाएगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, क्या कर लूंगी। तो उदासी बसंत माला आधी रात के समय बच्चे को लेकर के महल से निकल जाती और परमान पहुंची वन में, प्रभात हो गई। वन में पहुंच जाती है, प्रभात हो जाती है, पर रात भर पैदल चली थी ना, दासी बसंत माला को प्यास लग जाती है। विचार किया कि मैं कहीं जल पियाऊं, बच्चा एक पेड़ के सहारे बैठा दिया और वो दासी बसंत माला जल पीने के लिए जंगल में निकल जाती है। कोई कुआं था, वहां जाकर के जल पिया और जल पी करके दासी जल पी करके जब वापिस आई तो जहां लड़का पेड़ के सहारे बैठा करके गई थी ना, वहां वो बच्चा नहीं था।
क्यों? जब दासी जल पीने के लिए चली गई तो अकेला बच्चा बहक कर जंगल रोने लग गया, और बच्चे की रोने की आवाज प्रातः काल का समय जंगल में दूर दूर तक जा रही थी। और उसी जंगल में एक डाकू था दलेर सिंह नाम का। दलेर सिंह नाम का एक डाकू, उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनी। डाकू ने विचार किया, इतना सवेरे सवेरे और बच्चे के रोने की आवाज, या तो कोई किसी का जंगल में रह गया या कोई भटक के आ गया बच्चा। मेरा कर्तव्य है बच्चे की रक्षा करना। घोड़े पर चढ़ा और भाई भाई देखो भाई बाबा की तो गलती कोने, बाबा ने केवर उर तो फिर हल गया तो या जरूर ही है। थोड़ी देर पास फिर हल लगी घोड़े पर चढ़ा हुआ बच्चे के पास आया, रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया, आंसू पूछे और घोड़े पर बैठा लिया। अब सुनो जी, जब बच्चा घोड़े पर बैठाया तो बच्चा रोना भूल जाता है। क्यों? बालक ने दूसरी चीज मिल गई ना। क्या? कोई बच्चा हट पा रहा हो, रूस रहा हो, रोन लाग रहा हो, माँ बाप ने याद कर रहा हो, कोई नई चीज दे दो, उन भूल जाओ, उनका चक्कर पड़ जाओ। अब वो घोड़े पर बैठाया ना, तो बच्चा दासी को भी, बहन को भी, माँ को भी सब भूल गया। और वो दलेर सिंह घोड़े की लगाम पकड़ के नीचे नीचे चाल पड़ा, बच्चे को घोड़े पर बैठा लिया। पीछे से वो दासी बसंत बाला जल पी करके आई, तो जहां लड़का बैठा के गई थी ना, वहां करके देखते तो बच्चा नहीं है, पर घोड़े के पैरों के निशान थे ताजा। दासी समझदार थी कि कोई घोड़े वाला आया है। वो दासी दौड़ती है और थोड़ी दूर जाता दिखाई दिया वो घोड़े वाले, आवाज देती है, अरे घोड़े वाले रुक भाई, रुक जा। दलेर सिंह ने बाहर के देखा कोई और आ रही है, रुक गया। दासी पास आई, बेटा ये तू लड़का ले आया, ले चला, ये लड़का मेरा है। दलेर सिंह कहता, माँ तेरा नहीं है लड़का, तू झूठ बोलती है, तेरा नहीं है। नूरी मेरा है, नूरी ना तेरा नहीं है, तू सच बता दे ये बच्चा किसका है और कहाँ से जाई है। नूरी भाई पूछ मत, नुबले बता तो सही, नुबले तूने सही समझा है, बच्चा मेरा तो नहीं है, पर इसकी माँ ने ये बच्चा आखिरी समय में मेरे को दिया था कि मेरे बच्चे को पाल देना, मेरे बच्चे को बचा देना, तो बता बच्चा किसका है। तो बोले, माँ बच्चा तेरा है, पर ये बता किसका है। नुबली बेटे, ये बच्चा किसका है, तू एकांत में आ। दासी डाकू को एक तरफ ले जाती है, नुबली एक राजा का लड़का है, इसके पिता ने इसकी माँ को अपने हाथ से जहर पिला करके खत्म कर दी। वो रानी मरते समय लड़का मुझे दे गई,
अब मैं सिर्फ बचाने के लिए मेरे एहसानात को छोड़ करके इसकी जिंदगी के बचाव के लिए मैं महल छोड़ करके निकल के आ गई। अब तू देख ले बच्चा किसका है। दलेर सिंह कहता बा बच्चा तो तेरा है, पर मेरी सुन ले, मैं संतानहीन हूं, यानी मेरा कोई औलाद नहीं है, मेरी पत्नी है और अब हमें उम्मीद भी नहीं है कि हमारे औलाद होगी, तो इसलिए ये बच्चा तू मेरे को दे दे, मैं तेरा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा और इस बच्चे को मैं तेरे से भी अच्छी तरह पार पोस्ट करके नौजवान किसी लायक बना देगा। तो ने बोली बेटा मैं तेरे को बच्चा तो भेजूं पर मैं कहां रहूंगी, मेरा गुजारा कहां। दलेर सिंह कहता है माँ तू जब राज घरानों में रही है, महलों में रही है, दासी का काम किया है तो तेरे को दासी वाला काम तो सब आता ही है। नुबली भैया आओ तो से तो नुबली यहां से थोड़ी दूर एक इंद्रपुरी नगरी है, वहां राजा इंद्रसेन राज करते हैं, वहां चली जा तू, उनकी रानी बड़ी दयालु है, बड़ी शील स्वभाव की है, सती पतिव्रता है, आय का आदर करने वाली है, उस रानी के महल में चली जा, वो रानी तेरे को अपने महल में रख लेगी और मैं बच्चे को रख लूंगा। अब उड़ी का चक्कर तीन प्राणी तेरा तीर हो जाते हैं, दासी बसंतमाला इंद्रपुरी में, लड़का डाकू के पास, रानी लज्जावती महात्मा के पास, 5-7 दिन तक महात्मा जी ने जड़ी बूटियां पिलाई तो रानी को होश आ गया, रानी दोबारा से होश में आ गई तो महात्मा कहते बेटी तू जहां से आई है वहीं चली जा, तेरे को दोबारा से जीवन मिल गया, तेरे घर बार में चले। नुबली महाराज मेरा कोई न घर है न कोई बन है, तो बेटी ऐसे कैसे। नुबली महाराज मैं तो आकाश में गिर दी और धरती पर दो पैरों को कोई ठिकाना नहीं है, तो बेटी तू कैसे रहेगी आप। नुबली महाराज मैं यही रह दूंगी ना बेटी, तू महलों की रहने वाली है, तू ठाट बाट की रहने वाली है, चौबारों की रहने वाली है, यहां कैसे रहेगी। नुबली बाबा मैं रह लूंगी, कैसे नुबली लो बताओ कैसे रहूंगी। ये लाखाड़ा से वीर गुजर परिवार हजारी लाल जी 51 रुपए प्रदान करते हैं, धन्यवाद। अपने लाखाड़ा से बहुत आदमी आया करता भाई, और जमाना बदलो, अब वो जमाना ही बदल गया, अपने यहाँ ही सरलता नहीं रहे। निबली निबली शरण के बाद संत गुजारा मेरा हो जागा, ओ
शरण के मां संत गुजारा मेरा हो जागा। यो कुटिया ही देख चुबारा मेरा हो जागा। पतंग बिना डो
Thank you.
ਲਹਿਰੂ ਬਾਬਾ ਕੀ ਲਹਿਰੂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਰੂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਹਿਰੂ ਲਹਿਰੂ ਕਾਹ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇਵ ਲਹਿਰੂ ਹੈ ਬਾਨ ਪੰਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਰ 100 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਜੀ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ 20-20 ਰੁਪਏ ਇਨ ਸਭੀ ਕਲਾਕਾਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਕ ਲਹਿਰੂ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਨਾਗਣ ਕੋ ਭਾਈ ਨਾਗਣ ਕੋ ਲਹਿਰੂ ਵਜਾ ਦਿਓ ਨਾਗਣ ਕੋ ਲਿਓ ਹਾਂ ਜੈ ਤੇ ਕਰ ਲਹਿਰੂ ਤਾਂ ਕੋ ਲਜੀ ਨਾ ਲਹਿਰੂ ਕੇ ਸਾਥ ਲਹਿਰੂ ਲਹਿਰੂ ਬਾਬਾ ਜਾਣਕਾਰੋ